हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स आ जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए भैया कल है आप लोगों का एग्जाम और फाइनली 11 तारीख मतलब कि मंडे को हम करने वाले हंगामा तो आज संडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह आठ बजे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम फ्रेश माइंड से मुझे यहां पर ज्वाइन कर लिए तो भैया जल्दी से ज्वाइन कर लो जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ और बता दो कि आज जो बढ़िया दस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ आपको पहले ही मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ चैप्टर की शुरुआत में ही कि जो दस क्वेश्चन करवा रहा हूँ

तो शुरू के पांच क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए यहां पर और आंसर दीजिए मतलब मुझसे पहले आंसर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा एक घंटे में हम कोशिश करेंगे इस दस क्वेश्चन को एक घंटे से पहले हम लोग खत्म करें क्योंकि आज है वो फाइनल दिन संडे का जो कि आपका खुद का होना चाहिए तो आज आपको लग के मेहनत करनी है आज का पूरा दिन आपको वेस्ट नहीं करना आने वाले जो भी आपके पास अब बचे हुए अठारह या सत्रह घंटे हैं ठीक है थेके? वो आपको लग के मेहनत करनी है भाई साहब आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं कि कल का जो पेपर है आपके सामने लड्डू बन जाए आज रात की नींद अच्छे से लेनी है प्रॉपर आठ से नौ घंटे की नींद जरूर लीजिएगा अपने ऊपर विश्वास रखिए आपने जो साल भर मेहनत की है वो फाइनली रिजल्ट देगी ठीक है तो वो मेहनत आपको रिजल्ट देगी अपनी नींद पूरी प्रॉपर करके जाइए दिन का सेशन अटेंड करना ना भूलिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ तो जो हमारा पहला सवाल है वो रहा ये यह आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि पहले सोलर टर्म्स तो फर्स्ट सोलर टर्म्स मतलब एन की वैल्यू 16 दी है द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स आपसे सम पूछा है sn की वैल्यू पूछी है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स अगर ap आपके सामने गिवन है दैट मींस जो फर्स्ट टर्म है वो आपको 10 दी है तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम a2 a1 कर देते हैं दैट मींस 6 10 करेंगे तो 6 10 विल गिव यू -4 मैं कहूंगा कॉमन डिफरेंस यहां पर है -4 डन इस कॉमन डिफरेंस को माइनस फोर को हम बॉक्स में डाल देते फर्स्ट टर्म को हम बॉक्स में डाल देते हैं एन हमारे पास है एस एन देने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ डी उठाइए वैल्यूज यहां पे सब्सट्रीट्यूट कर दीजिए आपके सामने आंसर आ जाएगा चलिए मुझसे पहले आपको जवाब देना है जल्दी से एन बाई टू इज ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टू मल्टीप्लाइडीप्लाइड विध टेन प्लस एन माइनस वन सिक्सटीन माइनस वन एंड द कॉमन डिफरेंस इज वॉट कॉमन डिफरेंस इज माइनस फोर ये रहा माइनस फोर डन चलिए तो टू एट टाइम्स इज सिक्सटीन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन माइनस वन इज फिफ्टीन फिफ्टीन मल्टीप्लाइड विथ माइनस फोर इज़ माइनस एंड फिफ्टीन इंटू फोर इज़ फोर इंटू फाइव इज ट्वेंटी तो फिफ्टीन इंटू फोर इज सिक्सटी ये आ जाएगा आपका साठ तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है एट मल्टीप्लाइड विथ माइनस फोर्टी और आप देखेंगे यहाँ पर माइनस में आपका आंसर आएगा जो सम आया वो नेगेटिव में आया है माइनस कितना तो एट जीरो जीरो एट फोर टाइम्स थर्टी टू माइनस थ्री ट्वेंटी मतलब कि ए ऑप्शन क्लियर है क्लियर है जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िए है, है ना और नीचे एक लाइक का बटन भी है लाइक प्रेस करना ना भूलें देन जितना ज़्यादा हो सके आज लास्ट दिन अपने दोस्तों की तो हेल्प करो इस सेशन को शेयर करो सिर्फ दस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा प्रॉपर टेन क्वेश्चन ठीक है अच्छे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं दो तीन मार्क्स के अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप मुझे को थैंक यू बोलने वाले हैं ठीक है थीके? तो चलिए वो थैंक यू हम कल बुलवाएंगे कल हम आपके साथ रहेंगे लाइव आपका पेपर करेंगे डिस्कस जहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि ये जो तीन दिन में हमने मेहनत की है क्या कोई क्वेश्चन हमें फंसा हाँ या ना डन चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है question number two कह रहा है पिताजी की तो बेटे की एज तो हमें पता ही नहीं है पहले स्टेटमेंट में मैं कहूंगा लेट सन लेट टू हाउ मच एक्स ले ले तो यहां पे ये कह रहा है कि जो पिताजी की सन है देव फोर जो पिताजी की एज है देव फोर प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्रेजेंट एज ऑफ फादर वुड बी फादर वुड बी ठीक है प्रेजेंट एज क्या हो रही होगी अभी तो उनकी है सिक्स एक्स सिक्स टाइम्स दिस सन सेज फोर इयर्स हेंस आने वाले चार साल के बाद तो आफ्टर फोर इयर्स चार साल के बाद क्या होगा आफ्टर फोर इयर्स सन विल बी सन विल बी फोर प्लस एक्स चार एड हो जाएगा एंड फादर विल बी पिताजी की एज में क्या होगा फादर विल बी तो फादर विल बी सिक्स एक्स प्लस फोर डन Again, ये क्या कह रहा है कि फोर इयर्स हेंस द एज ऑफ दर विल बी जो पिताजी की एज होगी मतलब वैल्यू किसके बराबर होगी फोर टाइम्स फोर टाइम्स किसकी हिस तो की एज तब हो रही होगी फोर प्लस एक्स डन इक्वेशन मिल गई द प्रेजेंट एजेस इन इयर्स ऑफ दन एंड दर इज बताइए तो चलिए चेक कर लेते हैं यह है इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस फोर एक्स सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स इज टू एक्स तो ये आ जाएगा टू एक्स डन फोर उधर गया तो सोलह माइनस चार कर लेते हैं तो ये बारह आ जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स तो एक्स सिक्स है तो प्रेजेंट एज ऑफ सन सिक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज तो सन की एज है सिक्स एंड फादर की एज है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स कहाँ से आया सिक्स सिक्स प्रेजेंट थर्टी सिक्स ठीक है तो ये आ गया आपका सिक्स एंड थर्टी सिक्स दैट मीन्स सिक्स सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्लियर है ये दो क्वेश्चन समझ आ गए लाइक कर दीजिए ठीक है और शेयर जू करिए प्लीज सेशन को शेयर जू करिए चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है फाइंड नंबर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड का मतलब कम हो रहा है डिमिनिश्ड बाय 84 अगर उसके स्क्वायर को 84 कम कर दिया जाए तो इज इक्वल टू थ्राइज थ्री टाइम्स तो हम कहते हैं लेट दी नंबर बी एक्स तो ये आ जाएगा लेट नंबर बी एक्स हम क्या बोलते हैं नंबर को एक्स मान लेते हैं अगर नंबर एक्स है तो इसका स्क्वायर होगा स्क्वायर और ये कह रहा है फाइंड बाय 84 जिसके स्क्वायर को अगर 84 कम कर दिया जाए ये किसके बराबर आएगा इज इक्वल टू थ्राइज मतलब थ्री टाइम्स एट मोर देन द गिवन नंबर दिए हुए नंबर में अगर आठ ऐड कर दूं तो इस वैल्यू को अगर थ्री टाइम्स कर दूं तो इस वैल्यू के बराबर आएगा सिंपल यहां पे इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एटी फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस थ्री इंटू एट इज ट्वेंटी फोर डन यहां पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर प्लस फोर इज एट एंड एट प्लस टू इज टेन वन जीरो एट इक्वल्स टू जीरो मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो आप देखिए वन जीरो एट के फैक्टर्स क्या क्या हैं टू है टू फाइव टाइम्स इज टेन टू फोर टाइम्स इज एट टू टू टाइम्स इज फोर टू सेवन टाइम्स इज फोर्टीन थ्री नाइन टाइम्स इज ट्वेंटी सेवन एंड थ्री थ्री टाइम्स इज नाइन That मीन्स दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्लस या माइनस थ्री दे जिनका मल्टीप्लीकेशन वन जीरो एट हो तो टू इंटू टू इज फोर थ्री इंटू थ्री इज नाइन इज ट्वेंटी सेवन तो यहाँ से तो थ्री नहीं आता हुआ दिख रहा है टू इंटू टू फोर फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व एंड नाइन ट्वेल्व एंड नाइन वन जीरो एट देगा बारह में से नो गए तीन देगा हो गया तो so ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन एक्स माइनस वन जीरो एट विच इज़ equals टू ज़ीरो डन इधर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स एक्स बाहर हो गया एक्स माइनस ट्वेल्व अंदर बचा यहाँ पे भी एक्स माइनस ट्वेल्व आएगा ठीक है बाहर क्या आएगा तो प्लस नाइन माइनस इसमें से तो माइनस नाइन बाहर कर दीजिए प्लस नाइन बाहर कर दीजिए ये प्लस नाइन बाहर हो गया विच इज़ equals टू ज़ीरो x की वैल्यू x माइनस ट्वेल्व एक फैक्टर आया और x प्लस नाइन एक फैक्टर आया विच इज इक्वल टू जीरो x की वैल्यू या तो 12 आएगी या तो x की वैल्यू माइनस नाइन आएगी देखिएगा नंबर की बात हो रही है यहाँ पे फाइंड अ नेचुरल नंबर हु स्क्वायर नेचुरल नंबर बोला है नेचुरल नंबर होगा बारह जिसका स्क्वायर डिमिनिड बाय 84 फोर इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ एट मोर देन द गिवन नंबर मैं कहूंगा यहां पे नेचुरल नंबर की डिमांड हुई है नेचुरल नंबर होगा ट्वेल्व तो हम कहेंगे देव फोर द नंबर इज ट्वेल्व देव फोर द नंबर इज ट्वेल्व नंबर इज ट्वेल्व डन ये आ गया बारह क्लियर चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय ट्वेल्व तो लेट द नंबर बी एक्स लेट द नंबर बी एक्स मैं बोलता हूं वो नंबर एक्स है ठीक है ले लेते हैं इज इंक्रीज बाई ट्वेल्व कितना बढ़ा दिया इसको बारह बढ़ा दिया तो एक्स प्लस ट्वेल्व कर दिया इक्वल्स टू वन टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल वन बाय एक्स ऐसे ही होगा ये इक्वेशन बनेगी फाइंड नंबर जल्दी से नंबर बता दो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू वन सिक्सटी बाई एक्स ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस वन सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो एक्स इधर गया दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये वन सिक्सटी इधर आया माइनस वन सिक्सटी डन अब वन सिक्सटी को अगर मैं देखूं तो वन सिक्सटी के दो फैक्टर्स होंगे सिक्सटीन एंड टेन और सिक्सटीन माइनस टेन देगा सिक्स ठीक है ट्वेल्व चाहिए मुझे तो यहाँ पे एक हो सकता है आपका अगर मैं एट्टी देखूँ तो टू इंटू एट इज सिक्सटीन तो एट्टी इंटू टू हमें तो चाहिए बारह बारह कैसे आएगा वो देख लेते हैं तो देखो वन सिक्सटी के अगर आप फैक्टर्स निकालते हो तो टू एट टाइम्स सिक्सटीन एंड ज़ीरो फिर टू फोर्टी टाइम्स तो फोर इंटू फोर्टी भी नहीं हो रहा फिर टू इंटू ट्वेंटी तो टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट और ट्वेंटी एट और ट्वेंटी ट्वेल्व दे देंगे देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस एट एक्स माइनस वन सिक्सटी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों में से एक्स बाहर आया अंदर आया एक्स प्लस ट्वेंटी यहाँ पे भी आएगा एक्स प्लस ट्वेंटी मिड टर्म स्प्लिट किया मैंने तो ये आ गया माइनस एट बाहर ठीक है और नंबर आपसे नेचुरल पूछा था तो एक फैक्टर है एक्स माइनस एट दूसरा नंबर है आपका x प्लस ट्वेंटी तो x प्लस ट्वेंटी विच इज़ इक्व टू ज़ीरो हो गया यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूं चलिए अब देखिएगा x की वैल्यू या तो 8 आएगी या x की वैल्यू माइनस ट्वेंटी आएगी क्वेश्चन में अगर मैं जाता हूं तो क्वेश्चन की वैल्यू क्वेश्चन uh, पूछ रहा है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर होगा 8 तो देअोर एक्स इज इक्वल टू एट द नेचुरल नंबर इज 8 ये हमारा जवाब होगा डन चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 सिक्सटी किलोमीटर डिस्टेंस क्या दिया है देखो ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं या बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ सकते हैं बी रेडी फॉर दैट स्टैंडर्ड वाले खासकर ठीक है देखिएगा डिस्टेंस क्या कह रहे हैं डिस्टेंस है 360 सौ किलोमीटर जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में क्रॉस किया जा रहा है तो मैं बोलता हूँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर एक्स किलोमीटर पर आवर ठीक है वुड हैव टेकन फोर्टी एट मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगर डिस्टेंस सेम रहता है अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है कितनी फाइव किलोमीटर पर आवर मोर इफ स्पीड इंक्रीज इफ स्पीड इंक्रीज तो ये आ जाएगा आपका अगर स्पीड इंक्रीज कर दें तो दैट मींस कितनी इंक्रीज कर दें पांच तो वो टाइम कम लेगी ठीक है अगर हम यहां पे स्पीड बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा तो ओरिजिनल स्पीड बताइए क्या होगी मैं कहता हूं यहां पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है तो टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले वाली कंडीशन को अगर आप देखें तो ये कंडीशन कह रही है कि टी वन की वैल्यू टाइम इनिशियल में अगर स्पीड x थी डिस्टेंस 360 था तो 360 सिक्सटी बाय एक्स यही होता और टाइम टू की अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन अगर आप बढ़ाने की बात करें तो सेम डिस्टेंस क्रॉस करना है स्पीड इंक्रीज कर दी है ठीक है ये टाइम लगेगा ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो 48 मिनट कम लगेंगे ट्रेवल करने के लिए सेम डिस्टेंस तो दैट मीन्स स्पीड बढ़ा दी है तुमने तो 360 पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड थी स्पीड बढ़ा दी तो 48 मिनट कम लगेंगे 48 मिनट कम लगेंगे मतलब दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस आएगा पहले जो समय लग रहा था वो ज़्यादा लग रहा था तो 360 सिक्सटी एक्स में से जब आप माइनस करेंगे 360 सिक्सटी बाय एक्स प्लस फाइव को तो ये टाइम आपको 48 मिनट कम लगेगा 48 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा मिनट में दिया घंटे में चेंज करना है अपॉन 60 कर दो ये आपकी इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है सिंपल है देखो इस साइड तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस फाइव ऊपर 360 था ना तो एक काम करो थ्री सिक्सटी को कॉमन ले लो यार एक काम करो थोड़ा सा इसको ईजी कर लेते हैं मैं इसको बोलता हूँ कि ये हो जाएगा वन बाय एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव और तीन सौ साठ जो तुमने बाहर कॉमन लिया था वो इधर पटक दो तो ये हो जाएगा फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी मल्टीप्लाइड विथ थ्री सिक्सटी इसको यहाँ रख दो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे देखो क्या होगा ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस फाइव ऊपर आएगा x प्लस फाइव माइनस और यहां पे आएगा x ये हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी मल्टीप्लाइड विथ थ्री सिक्सटी डन थोड़ी सी वैल्यूज को छोटा कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा शीट लेके तो x माइनस एक्स तो खत्म हो गया फाइव अपॉन तो यहां पे एक शीट ले लेते हैं ये आ जाएगा फाइव अपॉन कितना फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स विच इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू 48 और 60 को अगर कैंसिल किया तो ये हुआ 24 फोर अपॉन थर्टी ठीक है तो 24, फोर टू टू हटाया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24 फोर अपॉन थर्टी मल्टीप्लाइड विथ थ्री ऐसे ही होगा ठीक है दो ऊपर नीचे मैंने सिर्फ टू का कॉमन फैक्टर हटाया तो टू थ्री टाइम्स सिक्स थर्टी टाइम्स टू ट्वेंटी फोर टाइम्स इज फोर्टी एट ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं तो 24 को थोड़ा इससे छोटा कर लेते हैं तो टू वन टाइम्स टू टू एट टाइम्स सिक्सटीन एंड जीरो टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू सिक्स टाइम्स इज ट्वेल्व टू नाइन टाइम्स एटीन एंड ज़ीरो सिक्स के टेबल में थर्टी तो सिक्स फाइव टाइम्स इज थर्टी ये हमारा आ जाएगा फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स विच इज़ इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव इंटू नाइन इज फोर्टी फाइव फोर फिफ्टी कुछ ऐसा आएगा डन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये फोर फिफ्टी यहां चला जाएगा फाइव जीरो टाइम्स फाइव फाइव टाइम्स इज ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू टू फाइव ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो डन अच्छा अभी मिडिल टर्म स्प्लिट भी खेलना है ठीक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट खेल लेते हैं ये हो जाएगा आप देखिए टू टू फाइव जीरो के फैक्टर अगर आप निकालते हैं तो टू वन टाइम्स टू वन टाइम्स टू टू टाइम्स फोर टू फाइव टाइम्स टेन फाइव से देखें तो फाइव टू टाइम्स इज़ टेन फाइव टू टाइम्स इज़ टेन फाइव फाइव टाइम्स इज़ ट्वेंटी फाइव फाइव फोर टाइम्स इज़ ट्वेंटी फाइव फाइव टाइम्स इज ट्वेंटी फाइव हो गया सॉल्व देखो एक आया नंबर फोर्टी फाइव मल्टीप्लाइड विद ट्वेंटी फाइव इंटू टू इज फिफ्टी तो देखो इन दोनों का डिफरेंस पांच आ रहा है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टी एक्स माइनस फोर्टी फाइव एक्स माइनस टू टू फाइव ज़ीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो इन दोनों में कॉमन आया एक्स ये हुआ एक्स प्लस फिफ्टी एक्स प्लस फिफ्टी को यहां कॉमन किया ठीक है कॉपी किया माइनस फोर्टी फाइव बाहर आया विच इज इक्वल टू जीरो मिला के यहां पे आपका आंसर आ गया तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ठीक है देखिएगा एक फैक्टर आ रहा है x प्लस फिफ्टी और दूसरा फैक्टर आ रहा है x माइनस फोर्टी फाइव विच इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू या तो माइनस फिफ्टी होगी या x की वैल्यू 45 होगी प्रॉब्लम ये है कि x आपने क्या लिया x आपने लिए स्पीड स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती इसका मतलब बहुत क्लियर आंसर आया है वो आया है 45। ये आंसर नहीं हो सकता तो मैं कहूँगा देव फोर स्पीड ऑफ ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड वो फॉलो कर रही थी वो थी 45 किलोमीटर पर आर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ठीक है मूव करते हैं दिन में दो बजे आना मत भूलिएगा हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है इसको देखिएगा अगेन ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़े मिक्स क्वेश्चन आ गए ठीक है मुझे ऐसा लगा था कि सारे क्वेश्चन एल्जेब्रा के हैं तो यहाँ पे कुछ को, आ, सारे क्वेश्चन ए के हैं बट कुछ शुरू के एक दो क्वेश्चन ए के थे एक ही क्वेश्चन ए का था फिर बीच में इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गया फिर उसके बाद अभी स्टैट्स के क्वेश्चन आ गए तो मिक्स में ये दस क्वेश्चन है ठीक है एक और मैं आपको लेक्चर दूंगा कोशिश करूंगा दो बजे के जस्ट बाद में आपके पास एक लेक्चर आए जहां पे पूरे प्रॉपर तरीके से हम एपी के क्वेश्चन आपको दे देते हैं ठीक है ठीके? चलो यहां पर क्या कह रहा है ठीक है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 पॉइंट सिक्स सेकेंड फोर्टीन पॉइंट सेकेंड से कम टाइम में कितने एथलीट्स ने अपना पूरे का पूरा रेस कवर कर लिया देखो 13.8 से लेके 14 तक ये जो है सिर्फ दो ही जो हैं हमारे आ, एथलीट्स कवर कर पाए 14.6 के समय से कम तो ये है आपका फाइनल टाइम टेबल इससे कम तो इकहत्तर प्लस पाँच छिहत्तर सेवनटी सिक्स सेवेंटी सिक्स प्लस सिक्स इज एट्टी टू मेरा आंसर ओरल है स्टैट्स का क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशन से जवाब देना था ठीक है फोर्टीन पॉइंट सिक्स से कम तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टेबल फॉलो हुआ है वो टेबल आपका ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था जिसके अंदर ये एक्सक्लूसिव मेथड था एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर इकहत्तर फोर्टीन पॉइंट सिक्स अगर किसी का होगा तो वो नेक्स्ट ग्रुप में चला जाएगा इन्होंने कहा था फोर्टीन पॉइंट सिक्स सेकेंड से कम कितने एथलीट्स ने टाइम लिया तो टू प्लस फोर इज सिक्स सिक्स प्लस सेवेंटी वन इज सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन प्लस थ्री इज एटी एटी टू सी ऑप्शन इसलिए हमारा जवाब है हो गया छह क्वेश्चन मूव करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ देखो सेवेंथ क्वेश्चन इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज देखो प्रोबेबिलिटी में दो चीजें हमेशा याद रखना या तो कोई चीज होगी या कोई चीज नहीं होगी अगर हो गई तो पूरा वन आंसर आता है अगर नहीं हुई तो ज़ीरो आंसर आता है अगर बीच में कहीं होने की चांसेस अटके रहे तो वो वन और ज़ीरो के बीच की वैल्यू होती है कभी वन से बड़ी वैल्यू नहीं आती ज़ीरो से छोटी वैल्यू नहीं आती तो अगर कोई इवेंट अगर नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी जो है उस चीज की जीरो रहेगी जिस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे थे वो इवेंट अगर अगर नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी जीरो रहेगी टोटल सात क्वेश्चन हमने कर दिए तीन क्वेश्चन और करवा रहा हूं चलो इस वीडियो में आपको तीन क्वेश्चन और मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं है बात को समझना क्या बोला जस्ट पीछे या तो चीज होगी या चीज नहीं होगी या इसके बीच में लाई करेगी ठीक है अगेन इसमें अगर मैं नोटिस करूं तो 0.1 डेफिनेटली हो सकती है विच ऑफ कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी वन बाई थ्री वन बाई थ्री जब भी होगा इसकी वैल्यू वन से छोटी होगी नेगेटिव तो नहीं है तो ये भी होगी थ्री परसेंट का मतलब है थ्री बाई हंड्रेड को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो अगेन न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर की बड़ी है प्रॉपर फ्रैक्शन है आंसर वन से छोटा होगा बट अगर आप देखें सेवेंटीन बाय सिक्सटीन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होती है मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर में अगर आपको आंसर देना है तो वो है डी ऑप्शन सेवनटीन बाई सिक्सटीन कभी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ठीक है क्लियर है थम्स अप दे दो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दो और आज हमें दिन भर लग के मेहनत करनी है रेडी फॉर दैट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है अ गर्ल कैल्कुलेट द प्रोबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अटरी इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ठीक है द इवेंट ऑफ विनिंग तो मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एक लड़की को कैलकुलेट करना आता था उसने अपना विनिंग की प्रोबाबिलिटी को कैलकुलेट किया जो कि जीरो पॉइंट जीरो एट था उजेंड टिकट आर शोल्ड हाउ मेनी टिकट है अगर छ हजार टिकटें इन ऑल टोटल बिकी है कितनी टोटल नंबर ऑफ टिकट टोटल नंबर ऑफ टिकट एज सिक्स थाउजेंड अब जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ विनिंग तो उसको मैक्सिमम टिकट्स लेनी चाहिए थी टिकट्स शी शुड परचेज फॉर विनिंग तो टिकट्स परचेज टिकट्स परचेज पी यू आर सी एच ए एस सी डी परचेज आउट ऑफ सिक्स थाउजेंड ठीक है वो ही हमें निकालनी है तो मैं कहूँगा ये आ जाएगा एट बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू टिकट परचेज अपॉन सिक्स थाउजेंड तो so, टिकट कितनी परचेस्ड की होंगी टी की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी एट मल्टीप्लाइड विथ सिक्स थाउजेंड अपॉन हंड्रेड ये दो जीरो से दो जीरो कटे एट इंटू जीरो इज जीरो फोर्टी एट चार 48 अस्सी टिकट तो सिर्फ इसी ने खरीद ली तो चार सौ अस्सी सी ऑप्शन आपका जवाब है मूव करिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर टेंथ ये रहा two dice are thrown at the same time and the product of the numbers appearing on them is noted find the probability that the product is less than 9 product kaisa hai 9 se kam value hai इसको देखो कैसे सॉल्व करना है ये लो यहाँ हम कहते हैं कि यार जो आपका ये है क्या प्रोडक्ट तो दो डाइस क्योंकि हम फेंक रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो एक डाइस पे अगर वन आया तो दूसरे डाइस पे भी वन आ सकता है ऐसे आप है ना देखो कितने आउटकम्स बन सकते हैं तो वन कॉमा वन बन सकता है वन कामा टू आ सकता है वन थ्री आ सकता है वन फोर आ सकता है वन फाइव आ सकता है एंड वन सिक्स आ सकता है आ सकता है ठीक है छह ही फेस होते हैं तो ये एक के साथ इतने आउटकम्स निकल सकते हैं अच्छा अगर मैं देखूँ तो टू कॉमा वन हो सकता है टू कॉमा टू हो सकता है टू कॉमा थ्री हो सकता है टू कॉमा फोर हो सकता है टू कॉमा फाइव हो सकता है एंड टू कॉमा सिक्स हो सकता है थ्री के साथ देखो थ्री कॉमा वन हो सकता है थ्री कॉमा टू हो सकता है थ्री कॉमा थ्री हो सकता है थ्री कॉमा फोर हो सकता है थ्री कॉमा फाइव हो सकता है एंड थ्री कॉमा सिक्स हो सकता है ठीक है आगे देखिएगा थ्री कॉमा uh, थ्री वाला तो हो गया हमारा फोर के साथ बनेगा है ना तो फोर के साथ कैसा बन रहा है देखो फोर कॉमा वन फोर कॉमा टू फोर कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर फोर कॉमा फाइव फोर कॉमा सिक्स फाइव के साथ बन सकता है फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा टू फाइव कॉमा थ्री फाइव कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव फाइव कॉमा सिक्स ये कॉम्बिनेशन हो सकता है ठीक है देखिएगा सिक्स कॉमा वन हो सकता है सिक्स कॉमा टू हो सकता है सिक्स कॉमा थ्री हो सकता है सिक्स कॉमा फोर हो सकता है सिक्स कॉमा फाइव हो सकता है और सिक्स कॉमा सिक्स हो सकता है इतने ही बनेंगे जो पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स थर्टी सिक्स हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आपके थर्टी सिक्स हो सकते हैं ऐसे कौन से दो डिजिट्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन नाइन से कम है ये क्वेश्चन बोल रहा है तो नाइन से कम है रेड पेन का यूज कर लेता हूं वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर मल्टीप्लीकेशन फाइव कॉमा वन वन कॉमा सिक्स अच्छा टू कॉमा टू टू कॉमा फोर टू कॉमा थ्री टू कामा फोर नाइन से कम टू कॉमा फाइव नहीं है टू कॉमा सिक्स नहीं है थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री प्रोडक्ट कितने से कम है नाइन से लेस देन नाइन तो थ्री कॉमा थ्री नहीं है आगे का कोई भी नहीं है फोर कॉमा वन फोर कॉमा टू फोर कॉमा थ्री नहीं हो सकता फोर कॉमा फोर फोर कॉमा फाइव फोर कॉमा सिक्स नहीं हो सकता फाइव कॉमा वन फिर और कोई भी नहीं है सिक्स कॉमा वन हो सकता है सिक्स कॉमा टू नहीं हो सकता है इसके आगे के सब फेल हैं कितने आउटकम्स हैं जो फेवरेबल आउटकम्स हैं अगर हम फेवरेबल आउटकम्स पे जाएं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं काउंट करिए फेवरेबल आउटकम्स अगर आप देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह सिक्सटीन ठीक है जिस इवेंट की वो लोग बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू आएगी सिक्सटीन आउट ऑफ थर्टी सिक्स टू एट टाइम्स सिक्सटीन टू वन टाइम्स टू टू एट टाइम्स सिक्सटीन टू फोर टाइम्स एट टू नाइन टाइम्स एटीन फोर बाई नाइन ठीक है हमारा जवाब होगा फोर बाय नाइन ये प्रोबेबिलिटी आएगी इन्होंने यही पूछा था दस क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पूरे तरीके से सॉल्व। तो ये जो तो दस क्वेश्चन मैंने दिए थोड़े से मिक्स थे ठीक है आप इनको खुद से सॉल्व करके देखा होगा ये मैं उम्मीद करता हूं वैरायटी मैंने आपको दी है अब मैं आपको और नेक्स्ट दस पंद्रह क्वेश्चंस देने जा रहा हूं आज दिन भर के अंदर सो so दैट सो so दैट आप अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में राजा हो जाएं दिन में दो बजे अभी दिन में दो बजे आज ही की बात कर रहा हूँ दिन में दो बजे आपको बने रहना है मेरे साथ लाइव जहाँ पे मैं आपसे तीन से चार चैप्टर्स जहाँ पे अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के आपको फॉर्मूलाज भी डिस्कस करने वाला हूँ वेराइटीज़ तो मैं दे ही रहा हूँ वीडियो के थ्रू लेकिन, लेकिन 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 दो बजे मैं आपके साथ रहूँगा शाम को आप सेल्फ स्टडी करिए वो आपके सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा ठीक है हम मिलेंगे कल पेपर डिस्कशन में भी कल सुबह छह बजे भी मिलेंगे ठीक है तो आज तो पहले आप मुझे आज रविवार है संडे है तो संडे वाले दिन आप मुझे मिलिए जल्दी से अभी दो बजे दो बजे हम लोग बात करते हैं थ्योरी के ऊपर कुछ चैप्टर्स की जो कि इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे लग रहे हैं ठीक है थीके? तब तक के लिए अपना ध्यान रखो तैयारी दम से करो 11 तारीख को हमें हंगामा करना है अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं उसके लिए तैयारी करनी है आज ही का लास्ट दिन है जो कि आपका फ्यूचर बनाने वाला है आज नहीं तो कभी नहीं ठीक है आज ही करना है सब कुछ जो करना है चलो नींद भरपूर लेनी है ठीक है रात को टाइम से खाना ज़्यादा मत खाना टाइम से सो जाना ठीक है चलो मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बाय एंड टेक केयर